कोटा से कोचिंग कर रहे छात्रों की घर वापसी जारी है। मंगलवार को दो ट्रेनों में 2,566 छात्र कोटा से बिहार के लिए रवाना हुए। एक ट्रेन 1,248 बच्चों और मजदूरों को लेकर कटिहार पहुंची, जिसमें चार जिलों के बच्चे और मजदूर मौजूद थे। स्टेशन पर सबका मेडिकल चेकअप हुआ, जिसके बाद बस से उन्हें उनके घर के लिए रवाना किया गया। यहां रेल प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों पूरी तरह मुस्तैद दिखे। वहीं छात्रों के चेहरों पर घर वापसी की खुशी दिखी और उन्होंने बताया कि यात्रा का कोई पैसा नहीं लिया गया। कोटा से आ रहे कोटा में बहुत दिक्कत हो रही थी, जो हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब अशोक गहलोत ने बहुत हमारी मदद की और वहां का एमपी ओम बिरला साहब ने बहुत मदद की और साथ ही साथ एलन परिवार, जिनका क्या कहना, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। हर मुश्किल में हमारे साथ आए, उन्होंने हमारे लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश की हमें यहाँ कोटा से निकालने के लिए। ट्रेन में बिहार सरकार ने मदद नहीं की? ट्रेन में कोई दिक्कत? टिकट भाड़ा वगैरह नहीं, निःशुल्क था, किराया हमारा निःशुल्क था, जिसे शायद बिहार के मुख्यमंत्री ने कराया। आपको बता दें कि अब बिहार के छात्रों को ले जाने के लिए ट्रेन 10 मई तक चलेंगी। पहले ये 6 मई तक चलने की घोषणा की गई थी, इसे बढ़ा दिया गया है। अभी तक 8,000 से ज्यादा छात्र कोटा से बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।